दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक से होंगे। बात यह है कि हम लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम लोग सारे टंटे अपने जो हैं वो ऑनलाइन सुलझा लेते हैं। मतलब किसी को तालियां देने से गालियां देने तक का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। यानी कि समय और धर्म दोनों चीज़ बचाने के लिए हम ऑनलाइन यानी इंटरनेट का ही सहारा लेते हैं। तो अभी केस चल रहा था ये कि जो अयोध्या चल रही विवादित भूमि, वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनेगी या मंदिर बनेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी भाई साहब अलग लगे पड़े हैं, बाकी जो मस्जिद बनवाने वाले हैं वो सारे अलग लगे पड़े हैं। तो लेकिन इसका हल तो भाई कोई खोजना था कि हमको जल्दी जल्दी रिजल्ट देखना है। तो अति उत्साही लोगों ने एक वेबसाइट बना डाली। वेबसाइट का नाम है जागो इंडियन, और उसका एक वो शॉर्ट लिंक बना के व्हाट्सएप पर फैला दिया, पूरा सर्कुलेट कर दिया कि जिसको जैसे ही दिखे इसको आगे भेजो। इसमें होता ये है कि ऑनलाइन वोट किया जाता है कि अयोध्या में क्या बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद बनना चाहिए या फिर दोनों बनना चाहिए। तो आप जैसे ही इस लिंक पर जाएंगे वो वेबसाइट खुल के सामने आएगी, उस पर जाके आपको दोनों में से एक पे आगे सही वाला निशान मार के वोट कर देना है आपके हिसाब से जो भी वोट गया होगा। उसके बाद आप नीचे रिज़ल्ट भी देख सकते हैं कि मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रही है। अच्छी बात यह है कि वहाँ पर वोट करने के लिए ना तो आपकी वो चोटी चेक की जाएगी, ना ही खतना चेक किया जाएगा, ना तो आधार कार्ड की इंक्वायरी की जाएगी, ना तो वोटर आईडी कार्ड मांगा जाएगा। बिल्कुल एकदम सुविधा से संपन्न है व्यवस्था। आप अपने मन का कुछ भी बनवा सकते हैं वहाँ पर, मतलब मंदिर या मस्जिद में से। और ऑनलाइन हिंदू ऑनलाइन मुसलमान दोनों बराबर तरीके से भिड़े पड़े हैं इस पर। और सबसे अजीब बात यह है कि पहले जब ये वेबसाइट बनी थी तब मंदिर बहुत पूरी फुल स्पीड में बन रहा था, लगभग बन ही चुका था। तब तक ऑनलाइन मुसलमान भी उत्साहित हो गए और उन्होंने अब बहुत मामूली अंतर से बाबरी मस्जिद भी वहाँ बनवा दी है। तो ये बाबरी मस्जिद और मंदिर का खेला है जो अब ऑनलाइन खेला जा रहा है। हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, पसंद करते रहिए, और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला घंटा भी दबा दीजिए।